हैवी गाड़ी है ना, जैसे वॉल्वो वगैरह कंपनी होता है ना वैसे ही स्कैनिया भी है। और आपको दिखाते हैं पीछे क्या क्या इसमें लोडिंग है। नया टायर नहीं है ये, नहीं ये नया टायर नहीं है ये, यहाँ पे गिट्टी फंसा हुआ है, लेकिन भाई ये गिट्टी नहीं है, ये देखिए न्यू टायर। अभी जब बॉर्डर में एंट्री कर रहे थे ना तो वहाँ पे मेरा गाड़ी भी पकड़ा गया था, तो फाइनली भाई अपना बंगाल का जो बॉर्डर टैक्स है वो मिलते हैं, छोटा वाला भाई लेके पकड़ा हुआ है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। हो चुका है सुबह भी आप सबको गुड मॉर्निंग। फिलहाल भाई अभी हम है धनबाद मंडी के अंदर में, यहाँ पे भाई बोर्ड में पहुंच गए थे 3 बजे जस्ट, भाई अभी उठे हैं और उठ के देख रहे हैं तो गाड़ी भी भाई तिरपाल लस्सा खोल दिया था, गाड़ी खाली होना चालू हो चुका है। तो देखते हैं भाई यहाँ से कहाँ का बुकिंग मिलता है और कहाँ पे हम जाते हैं। उसके पहले इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, चैनल पे करना है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको टाइम से पहुंच सके। तो चलिए पीछे दिखाते हैं गाड़ी कैसे खाली हो रहा है भाई। फिलहाल हमारे झारखंड के पहलवान भाई लोग गाड़ी को खाली कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और जो मौसम भी हम अपने बनारस से लेके आए हुए थे वो इधर खाली हो रहा है, इधर देखिए पूरा इधर रखा चुका है और थोड़ा बहुत बोरी बचा हुआ है, ये भी कुछ देर में खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा तो अपना फिर भाड़ा किराया लेके हम निकलेंगे यहाँ से। तो देखते हैं भाई कब तक खाली होता है, हमें लग रहा है कि 10 से 12 बोरी और बचा हुआ है। अपने गद्दी में जो भी माल उतारना था वो फाइनली यहाँ पे उतर चुका है, अभी थोड़ा सा माल बचा हुआ है जो कि सामने वाले गद्दी में उतारना है। तो चलते हैं गाड़ी को लेकर उतारते हैं वहाँ पे। एक चीज बता दे भाई आप लोगों को, आप लोग बहुत लोग पूछते हैं कि भाई धनबाद का मंडी कितने बजे शुरू होता है। तो एक्चुअली धनबाद का मंडी ना, जैसे अभी तो हल्का हल्का ठंडा पड़ने लगा यहाँ पे, तो जब भी चालू होगा तो अभी देख सकते हैं 6 बज चुका है टाइम, लेकिन अभी भी अच्छे से मार्केट पूरा खाली खाली सा चालू नहीं हुआ है। तो आप लोग सोच सकते हैं कितने बजे चालू हुआ, जब भी चालू होता है 6 बजे के बाद ही यहाँ का मार्केट चालू होता है और 6 बजे के बाद यहाँ पे आते हैं व्यापारी लोग अपना अपना माल खरीदने के लिए। तो चलो थोड़ा सा बोरी बचा हुआ इसको भी खाली करते हैं और फटाफट करके अपना भाड़ा किराया लेते निकलते हैं। तो ये भाई पंजाब से आ चुका है गाड़ी अपना धनबाद मंडी में, देख सकते हैं पूरा पूरा एप्पल लोड है देखिए। और ये माल जैसे पंजाब से कभी कभी डायरेक्ट नहीं आना चाहते हैं गाड़ी वाले तो पंजाब आके पलटी हो जाता है, ठीक है। तो ये भाई साहब पंजाब से लेके आए गुरु जी ना, पंजाब से परवाणु जगह का नाम है परवाणु। अच्छा, कोई अगर परवाणु से देख रहा है अगर गुरु जी को जानता है तो कॉमेंट कर देना। तो ये भैया की गाड़ी है, देख सकते हैं खाली होना चालू हो चुका है एप्पल धनबाद मंडी में, ये देखो भाई। फिलहाल भाई इधर कचरा फेंकाता है और अपने गाड़ी से भी कचरा ही फेंकना है, फेंको फेंको यार। तो अच्छे साफ करते हैं ऐसे करके, जैसे बारिश का होता है ना सड़ने लगता है ना, वैसे बॉडी भाई साफ है बारिश होगा तो भी सड़ने लगा। हाथ से निकालो, हाथ से निकालो। और बता दे भाई यहाँ पे जो भाड़ा है ना, भाड़ा 9 बजे मिलेगा, मैंने गद्दी वाले से पूछा है वो बोले जब तक मालिक साहब नहीं आएंगे तब तक आपका भाड़ा नहीं मिलेगा। हम तो भाई यहाँ के मुंशी जी हैं, हम भाड़ा नहीं देंगे, जब मालिक आएंगे तो देंगे। तो बोल रहे हैं कि 9 बजे तक आप वेट करिए। तो फिलहाल कहीं पे लगाएंगे साइड में पेड़ के नीचे, मस्त सोएंगे भाई दोनों भाई मिलके, जब आ जाएंगे मालिक साहब तो भाड़ा किराया लेके फिर निकलेंगे। हाँ तो बता दे भाई पार्टी ने बोला 9 बजे पैसा देगा, तो हम लोग आ चुके हैं एक पेड़ के नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। तो छोटा वाला भाई फिर से जा रहा है पीछे सोने के लिए, बिस्किट वगैरह खा के पानी पी लिया हमने और छोटा वाला भाई ने भी, जाओ 9 बजे जाग जाना। चलो ठीक है, तो फिलहाल सो के 9 बजे उठते हैं, तो 9 बजे डायरेक्ट मिलेंगे आप लोग। चुके हैं सुबह का 10 और जस्ट भाई हम लोग अभी सो के उठे हैं, छोटा वाला भाई भी उठ चुका है, हम भी उठ चुके हैं, गाड़ी का साफ सफाई भी हो चुका है, अभी जा रहे हैं पेमेंट लेने के लिए, मतलब अपना भाड़ा लेंगे उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो बस कुछ देर वेट करिए आपको पता चल जाएगा कि भाड़ा अगर लेने के बाद कहाँ पे निकल रहे हैं, ठीक है। तो इधर देख सकते हैं भाई केला अगर बिक रहा है, तो अभी यहाँ पे बोली लग रहा था 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, मतलब किलो हिसाब से बिकता है। तो ये देखो भाई पूरा बंगाल से आ चुका है नारियल पानी, सुबह पूरा भरा हुआ था भाई अभी खत्म हो चुका है, ये देख सकते हैं बंगाल का नारियल पानी है। मंडी से निकलने के बाद आ चुके हैं हाईवे पे, तो हमारे पीछे जो देख रहे हैं नेशनल हाईवे है, एक अपने से अच्छा खासा सीन हो चुका है। मौसम भी देख रहे हैं, मौसम का आनंद ले रहे थे मस्त, लेकिन एक दुर्घटना हो गया है। हम सोचे ना यहाँ पे गिट्टी फंसा हुआ है, लेकिन भाई ये गिट्टी नहीं है, ये देखिए न्यू टायर में लोहे का पूरा पूरा रॉड घुस गया है। अब ये पता नहीं भाई किस तरीके से घुसा है, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है, अब पूरा फाड़ के अंदर चला गया, ये देख सकते हैं। अब ये छोटा वाला भाई निकालने का बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है,
पूरा पूरा टायर फाड़ के अंदर चला गया है। और ये देखिए पूरा न्यू टायर, एक महीना भी नहीं हुआ मैंने लगवाया, अभी पेशकश करना पड़ेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? खींच के निकाल दीजिए तो पंचर हो जाएगा। निकालिए ना, जो होगा देखा जाएगा, निकालिए उसको। टायर ना पड़े, खींच के निकले नीचे से। तो भाई बहुत ही मोटा है, पता नहीं भाई कैसे घुसा यार। ये देख सकते हैं तो चाचा जी आए हैं पेचकस लेके, अपने पास पेचकस गाड़ी पे नहीं था। ये देख सकते हैं भाई, ये है पेचकस लग रहा है, ये पेचकस ही है। भाई पूरा टायर खराब हो गया यार अपना, बैक तेरी की पूरा दिमाग खराब हो गया यार। सुबह सुबह इतना हैवी कैसे घुस सकता है इसमें यार। पिछवाड़ गई पिछन, हाँ ये घुस। पूरा टायर फाड़ दिया, पूरा टायर ही फाड़ दिया मेरा। भाई एक तो बारिश होने लगा जबरदस्त वाला यार। निकालो निकालो। ओ भाई साहब बच गया, बच गया। दिखाओ दिखाओ क्या है, देखिए टायर बच गया। अच्छा, ये देखो भाई अंदर फट गया था चद्दर, तो टायर खत्म हो गया भाई साहब। इसीलिए हम लोग जेके स्टील किंग लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टील स्टील का परत चढ़ा होता है, तो अंदर जाके ये टेढ़ा हो चुका है। ठीक है, ओ भाई बारिश होने लगा यार। फिलहाल धनबाद से निकल के अभी हम आ चुके हैं झारखंड टोल, मतलब सबसे लास्ट वाला जो झारखंड का टोल प्लाजा है वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से बंगाल बॉर्डर सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर आगे है, 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो बंगाल में एंट्री कर जाएंगे। हमारे बगल में गाड़ी है स्कानिया, ठीक है। तो ये स्कानिया गाड़ी है भाई 65 लाख रुपये का, ठीक है। ऑन रोड ये पड़ जाएगा आपको कम से कम 90 लाख रुपये का, ये गाड़ी पड़ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आगे का इंजन वाला हिस्सा है और ये 10 टायर का, ठीक है भाई। इतना हैवी गाड़ी है ना, जैसे वॉल्वो वगैरह कंपनी होता है ना, वैसे ही स्कानिया भी है। जैसे विदेशी कंपनी, दोनों ही विदेशी कंपनी, इंडियन कंपनी नहीं है। तो ये इतना बड़ा, यहाँ पे देख सकते हैं स्कानिया का एक बैच मिल जाता है आपको, यहाँ पे जाली वाला ग्रिल मिल जाता है 1 2 3 भाई साहब। ये टो करने के लिए, मान लो कभी फंस जाता है तो एक और स्कानिया का लगेगा इसको खींचने के लिए, दो दो भाई साहब। कितने सीसी का इंजन अभी ऑनलाइन चेक किया तुमने? 16,000 दिखा रहा है, लेकिन 16,000 सीसी भाई ऑनलाइन दिखा रहा है, बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं इसके बारे में। पूरा डिटेल चाहिए तो, और आप लोग को पीछे दिखाते हैं कितना चक्का ये अभी फिलहाल खींच रहा है। तो ये 10 चक्का हो गया, और आपको दिखाते हैं पीछे क्या क्या इसमें लोडिंग है। ये देखिए इसमें ट्रांसफार्मर किसी कंपनी में जा रहा है, 1 2 3 4 मतलब 8 इसमें लगा है, 8 8 8 अरे जोड़ो यार कितना है, जोड़ो जोड़ो है, बताओ बताओ फटाक से बताओ तुम। तो अभी कैलकुलेटर से जोड़ना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक में, हाँ ऐसे जोड़ो, 5 6 7 8 जल्दी जोड़ो, कितना हो रहा है देखो, 64 टायर भाई साहब, 64 टायर पीछे लगा हुआ है, और एक भी सब टायर देखिए इसमें क्या है ना, नया टायर नहीं है ये, नहीं ये नया टायर नहीं है, ये टायर में रबड़िंग किया हुआ टायर है। तो ये देखिए ये पूरा रबड़िंग वाला टायर है, ठीक है। तो ये भाई हैवी सामान खींचने के लिए होता है, क्योंकि आप सोच सकते हैं इतना पावरफुल इंजन है, और इसका जो सामान वगैरह सब इसमें दिया हुआ है, सामग्री लेके जा रहे हैं। पीछे एयर का जो सिस्टम दिया हुआ है, मतलब इसमें कितना हवा चाहिए उतना बराबर हवा हमेशा रख सके। तो ये अहमदाबाद से आ रहा है और झारखंड में कहीं पे खाली होना है, मतलब यहीं पे आसपास में ही खाली होगा, इसी वजह से यहाँ पे ये खड़ा है, देख सकते हैं जबरदस्त सीन है भाई। तो फिलहाल भाई अपना एक बुकिंग कन्फर्म हो रहा है अभी, तो पार्टी ने बोला है मुझे कि आप बंगाल आइए, मतलब हमें जाना है धानतला। धानतला बता दे कहाँ पड़ता है, कृष्णा नगर से भी 30 से 35 किलोमीटर अंदर पड़ता है बांग्लादेश वाले रूट पे। तो हम उधर ही जा रहे हैं अपने गाड़ी को लेकर, देखते हैं अगर भाड़ा कंफर्म हो जाता। उन्होंने बोला कि आप धनबाद में ही रुकिए, हम बोल रहे हैं कि आप कहीं भी भेज दीजिएगा, बनारस आजमगढ़ इलाहाबाद या फिर पटना, कहीं कहीं मिल जाए हम चले आएंगे, ऐसा नहीं भाई मंदा का बाजार है तो कहीं भी हम चले आएंगे, टेंशन की बात नहीं है। उन्होंने बोला चलो ठीक है तब आप आ जाइए। फिर एक बार कॉल किया, बोला कि अगर आप रुक जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। हमने नहीं, हम आ ही रहे हैं, आप एक दो दिन बाद ही लोड करवाइए, क्योंकि भाई अपने गाड़ी का किस्त अगर अभी निकालना है तो जाना जरूरी है बंगाल, नहीं जाएंगे
तो क्या ही बचेगा, इधर से हम आए थे बहुत कम पैसे में, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट करके बंगाल की तरफ, बंगाल बॉर्डर पहुंचने वाले हैं जस्ट। भाई हमने अभी झारखंड का लास्ट वाला टोल प्लाजा क्रॉस किया है। तो ये है भाई बॉर्डर झारखंड और बंगाल का, बंगाल में एंट्री करने वाले है। रात को यहाँ पे बहुत ज्यादा जाम रहता है, आप जब आएंगे 12 बजे करीब तो बहुत ज्यादा रात को जाम रहता है। तो चलिए पुलिस वाले वहाँ पे ताक रहे हैं, फटाक से पहले गाड़ी को एंट्री करते हैं और टीपी भी कटवाना है, टीपी भी खत्म हो चुका है मेरा, एंट्री करने के बाद फिर बातें करेंगे आप लोगों से। तो फिलहाल भाई पहुंच चुके हैं जहाँ पे बंगाल का टीपी अगर कटता है, तो यह बंगाल का ITO जहाँ पे हम अभी रुके हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम कटवा रहे हैं अपने गाड़ी का टीपी, मतलब बॉर्डर टैक्स जिसको बंगाल बॉर्डर टैक्स बोलते हैं ना, वो वाला कटवा रहे हैं क्योंकि अपने पास ऑल इंडिया परमिट नहीं है और जो पुराना वाला हमारा परमिट था टीपी वो एक्चुअली खत्म हो गया था। और अभी जब बॉर्डर में एंट्री कर रहे थे ना तो वहाँ पे मेरा गाड़ी भी पकड़ा गया था। तो किस वजह से पकड़ाया था आपको दिखाते हैं। सब कुछ ओके होने से नहीं होता है, गाड़ी का कुछ नियम है उसी नियम चलना पड़ता है। तो ये जो अपना लाइट लगा हुआ है ना यहाँ पे देखो भाई, खोल भी रहा ऊपर से, देखो भाई खोल रहा है, ये लाइट को निकाल रहा भाई क्योंकि इस लाइट की वजह से मेरा गाड़ी पकड़ा गया था और मुझे फाइन अगर देना पड़ गया है। ये देख सकते हैं इस लाइट को भी निकालना पड़ेगा, इसके वजह से बंगाल में फाइन लगता है। तो आप लोग अगर कभी आए तो ये सब लाइट बंगाल में लगा के मत आइए। उन्होंने बोला, पुलिस वाले ने मुझे कि यहाँ पे आप लगा सकते हैं, यहाँ पे अगर लगा सकते हैं तो इसका चालान नहीं कटेगा, जो कंपनी दिया हुआ है लगाने के लिए एक्स्ट्रा लाइट यहाँ पे लगा सकते हैं, लाइट ऊपर आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो यही सब दिक्कत था, इसी वजह से वहाँ पे फाइन लग गया 300 रुपये का। तो चलते हैं भाई, अभी अपना टीपी कट के आने में टाइम लगेगा 10 मिनट, मैंने कागज वगैरह सब दे दिया है, तो जैसे ही टीपी कट के आएगा तो फिर आगे चलेंगे। तो फाइनली भाई अपना बंगाल का जो बॉर्डर टैक्स है वो मैंने कटवा लिया है। तो ये देख सकते हैं ये भाई बंगाल का बॉर्डर टैक्स, तो पहले हाथ से बनता था, अभी ऑनलाइन हो गया है। तो इसको कटवाने के लिए आपका इंश्योरेंस ओके होना चाहिए, गाड़ी का फिटनेस ओके होना चाहिए, गाड़ी का मतलब पूरा कागज ओके होना चाहिए, आपका लाइसेंस भी होना चाहिए। तो सब कुछ आपका लेके जाएगा और अधिकारी आपको ये काट के देंगे। पहले हाथ से बनता था, अभी ये बारकोड वाला बनने लगा है, ऑनलाइन बनने लगा है। हालांकि आप ऑनलाइन इसको किसी और जगह से काट नहीं सकते, आप बंगाल में आके ही आपको ये चीज कटवाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं। ओ भाई लैंड रोवर क्या ही लग रहा है भाई, ये चेक करें आप लोग, लैंड रोवर वो भी ओल्ड मॉडल वाली, भाई इसका बात ही कुछ अलग था यार। अभी तो फिलहाल बंद हो गया, अभी न्यू वाला आ गया है इससे भी तगड़ा। फिलहाल भी दुर्गापुर टोल पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा रोड का काम हो रहा है और आ गया आंधी अचानक से भाई, जबरदस्त यहाँ पे आंधी आ चुका है। मौसम देख रहे हो ब्रो, ओ भाई ये देखो यार क्या सीन है भाई, सामने का सब ब्लैक ब्लैक सा हो चुका है। फिलहाल भाई वर्धमान पहुंचने वाले थे, भूख लग चुका है तो हम गाड़ी को इधर साइड में लगा दिए हैं, मतलब लगाने जा रहे हैं। और यहाँ पे बगल में होटल है, यहीं पे खाना वगैरह खाएंगे उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। तो चलो गाड़ी लगाते हैं, चलते हैं भाई। तो फाइनली भी अपना खाना लग चुका है, खाना खाने जा रहे हैं। तो दिखा दो भाई इधर चावल दाल, ये है थोड़ा सा भुजिया मिला है, इधर है सब्जी और ये क्या है आलू पोस्तो, इधर है पापड़, इधर आ गया अपना मछली, ये लेते हैं एक पीस मछली इधर और एक पीस मछली ये वाला, ठीक है। चलिए एक एक पीस मछली फाइनल ले लिया है और मछली अलग से 30 रुपये पीस है। और खाना कैसे भैया? 50 रुपये खाना, अनलिमिटेड जितना भी चावल आप खा सकते हैं और 30 रुपये का मछली, मतलब 80 रुपये में भरपेट खाना। तो फाइनली खाना वगैरह हो चुका है, अभी हम जाएंगे वर्धमान वाले रोड से कृष्णा नगर वाले रोड पे। अभी हम जहाँ पे हैं यहाँ से वर्धमान बचा है सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर। तो चलो खाना तो भाई मज़ा आ गया खाना खा के, और आज का मौसम चेक करें भाई जबरदस्त है ना, ये देखो। तो चलिए अभी फिलहाल इधर से निकलते हैं। फिलहाल भाई एक पेट्रोल पंप पे रुके हैं वर्धमान में, यहाँ पे करवा रहे अपना टैंकी फुल। उधर देख सकते हैं छोटा वाला भाई लेके पकड़ा हुआ है। यहीं पे काम पे लग जाओ, सोच रहे हो। चलो भाई फुल करवाते हैं, निकलते हैं फिर। आप लोगों ने देखा पेट्रोल पंप पे मस्त तेल वगैरह भरवा लिया हमने भाई। अभी भी ना हम लोगों का जो बुकिंग है वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि हमें कहाँ पे जाना है एक्चुअली लोड करने के लिए। तो इसी वजह से हम अभी आगे की तरफ बढ़ नहीं रहे हैं, हम अभी रुक गए हैं वर्धमान में, मतलब ये पेट्रोल पंप है, यहीं से मैंने डीजल टैंक अपना फुल करवाया था और यहीं पर रुक ही गए। तो अभी रात का 10 बज चुके हैं, हम लोग का खाना वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो आपको कल पता चल जाएगा भाई कि हम कहाँ पर जाएंगे, मतलब कल के ब्लॉग में ये भी पता चल जाएगा लोडिंग है या नहीं है।
खाली जाना होगा तो भाई बनारस भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं डायरेक्ट सुबह, अभी फिलहाल जा रहे हैं सोने के लिए, ठीक है। और छोटा वाला भाई पीछे सोएगा। बारिश का मौसम बना रहा था लेकिन बारिश होने वाला है नहीं, तारा घर निकला हुआ है और मस्त ठंडा ठंडा सा हवा चल रहा है। एक दुखद खबर ये भी है कि अपना पंखा जो है वो भी खराब हो चुका है। छोटा वाला भाई को मैंने बोला था कि भाई इसका मोटर रास्ते से ले लेते हैं, छोटा वाला भाई बोला कि चलो आगे ले लेंगे आगे ले लेंगे, अब इतना आगे आ गए कि दुकान ही यहाँ पे नहीं है। तो चलो भाई अपना सामान अगर ले चुका है, पीछे जा रहा है सोने के लिए और मिलते हैं डायरेक्ट सुबह, ठीक है। हो चुका सुबह, आप सब गुड मॉर्निंग। फिलहाल भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। बता दे भाई अभी तक अपना बुकिंग कंफर्म नहीं हुआ है, जस्ट भाई हमने नहा धो भी लिया है। तो मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस। ऐसे प्यार में बस सपोर्ट बनाए रखिएगा क्योंकि आपका भाई ऐसे ही मेहनत करेगा और आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहेगा, ठीक है। तो अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा आईडी है बुद्धा2372। मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।